हेलो दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता रीजन में आई हुई है। अप्रेंटिस की वैकेंसी है, 1 साल आपका अप्रेंटिस होगा और 2 साल होगा जैसे वेल्डर वगैरह के लिए, 2 साल होगा कुछ कोर्स के लिए, 1 साल अप्रेंटिस होगी। तो सारी डिटेल मैं दूंगा, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मैं डेली गल्फ जॉब से रिलेटेड और इंडिया में जितनी जॉब आती है उसके वीडियो सिर्फ बनाता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। अगर आप इन जो आई हुई वैकेंसी है इन सबको फॉलो करते तो आप भरे फॉर्म को, आपके दोस्त वगैरह हैं जो भी आईटीआई वगैरह करें उनको इस वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचाएं। पूरी डिटेल मैं दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना होगा, सारी डिटेल मैं बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि जैसे मैं कोई भी जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ओपनिंग डेट यानी कि फॉर्म अप्लाई करने की डेट जो है 15/10/2018 है। फॉर्म को लास्ट डेट जो है 14/11/2018 है। क्लोजिंग डेट जो है 14/11 को जो है 17 यानी कि 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रीजन वाइज जो है, इस रीजन में जो है फीटर की सीट देख लीजिए, वेल्डर सारी चीज़ जो है 336 सीट है। और जिन अगर आप इस रीजन में अप्लाई करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इस रीजन में देख लीजिए 264 सीट है, टोटल करीब 3,000 के पास आसपास सीट है। ऐसे इस रीजन में देख लीजिए मालदा में, ये इसमें देख लीजिए, ऐसे जो है इतनी करीब 3,000 के आसपास टोटल सीट आई हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कुछ और देखकर और बताता हूँ। हाँ, एज यहाँ पे जो है एज कम से कम आपकी 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। एज की गणना जो है 1/1/2019 के हिसाब से की जाएगी। दोस्तों, अप्रेंटिस कर लेंगे तो आपको सीट रिजर्व हो जाएगी अगली आने वाली वैकेंसी में, जैसे कि ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें 20% सीट रिजर्व है, तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा फॉर्म आपको इस वेबसाइट से जाकर www.rrcer.com से जाके अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है मेरिट के बेसिस पे हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई कर देने होंगे। अगर कोई क्यूरी है तो आप इस मेल आईडी पे अपना मेल कर सकते हैं, या अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे क्या होगा। सारी डिटेल मैं कमेंट बॉक्स के जरिए आपको बता दूंगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन है केस ऑफ रिजेक्शन कि इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है, एक मिनट, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो इन कंडीशन को जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। डेली जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया गर्ल्स सबसे सारी टाइप की जॉब मैं अपलोड डेली करता हूँ वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।